टोहाना में उषा नाम की कंपनी महिलाओं को लोन दिलवाने के नाम पर पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई। इस बात का पता जब महिलाओं को चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस लोन के लिए उन्होंने जिस कंपनी को पैसे दिए थे वो फर्जी थी और रातों रात फरार हो गई। महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया व सिटी थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पूरी जांच पड़ताल में पता लगा कि उषा नाम की कंपनी फर्जी थी व महिलाओं को चूना लगा गई। महिलाओं ने जमकर रोष प्रदर्शन किया व सिटी थाना में शिकायत दी। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी थाना प्रभारी सुखदेव ने बताया कि पुलिस को इस मामले में शिकायत मिली है और वो जांच कर रही है। रहने वाले तो आप किस लिए आए यहाँ? हम आए थे यहाँ पर जी लोन मिलता था 35,000, कहते भी हम 35,000 देवेंगे तो 18 किस्ता करेंगे। 18 किस्ता के मरे ने सबने इकट्ठे पैसे किए आपके जुआखा के लिए रखे खाने के लिए, वो मैंने इकट्ठे करके इनको दे दिए। वो लेके भाज गए, उनको उनको पैसा भी चाहिए और वो भी चाहिए, बंदे भी चाहिए। क्या करेंगे आप? हमारी मेहनत की कमाई थी ऐसे ही चली गई। हम हमारे बच्चों के लिए खाना भी नहीं लिया, 1100-1200 रुपया ऐसे ही बनता है। हमने अकेली अकेली ने बड़ी मुश्किल से 1200 रुपया दिया था, तो हम ऐसे नहीं बैठेंगे। हम यही टोहाना टिब्बा बस्ती के रहने वाले हैं। कई लोग हैं कन्नड़ी गांव के और यहाँ भी हैं, करीब काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कोई कंपनी थी उषा नाम की, जिन्होंने इनसे 2,000 रुपये जमा करवाने हर महीने और फिर इकट्ठे 40,000 रुपये का प्रलोभन दिया था। जो अब ये वो कंपनी है, रात को ये इन्होंने सूचना दी भी, रात को वो कंपनी यहाँ से मकान खाली करके चली गई, जिसके संबंध में अभी हम मौके पर आए हैं और इसकी जाँच कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आदमी हमारे घर पे आया था, हमको बोला कि 35,000 का लोन देंगे हम और 2300 रुपया महीना किस्त होगी उसकी, तो हम दो तीन मीटिंग होंगी उसकी, तीन मीटिंगों के बाद आपके खाते में 35,000 रुपया आएगा, उसके बाद आपका फाइल खर्चा होगा, बीमा खर्चा होगा, तो वो आपसे नगद लिया जाएगा। हम थे 12 मेंबरों से 1190 रुपये लिए थे इन्होंने। वो हम सुबह के उसके पास फ़ोन मिलाने लग रहे हैं, उनका फ़ोन बंद आ रहा था, तो यहीं पर कट हो रहा था। हम सुबह आए थे यहाँ पर तो कोठी को ताला लग रहा था, सभी खिंडा मिंडा पड़ा था। उसके पास भी फ़ोन किया तो यहाँ पर कोठी पे के एक सरदार था, तो उसने सरदार ने हमको बोला कि मेरे पास है चाबी। जब हमने बोला उसको चाबी दो तो वो भाग गया, मैं लेके आ रहा हूँ, अभी तक ना तो सरदार ही आया ना ही कुछ भी कर।